जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ और मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए तकरीबन अभी 3 साल हो रहे हैं। और मैं इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी म्यूचुअल फंड की डेली की अपडेट शेयर करता हूँ। मैं आपको आज बताऊँगा कि मेरे को कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड ने कितना रिटर्न दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा पोर्टफोलियो अभी 9,49,000 का हो चुका है। मुझे अभी तक टोटल रिटर्न मिला है 81.64%, जो कि 4,26,892 रुपये। इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है टाटा स्मॉल कैप फंड में, जो कि 100% है। कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड ने मुझे 87% रिटर्न दिया है। हम उसी का आज रिव्यू करेंगे। आप देख सकते हो कि कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड ने एक मंथ में तकरीबन 6% रिटर्न दिया है और 6 मंथ में तकरीबन 39% और 1 साल में 50%। 3 साल में इसका एनुअलाइज रिटर्न है 25%, 5 साल में 31, और अभी तक जब से लॉन्च हुआ है तब से उसने तकरीबन 23% रिटर्न दिया है। हम आज भी इसमें देखेंगे कि हमको कितना रिटर्न मिला है। इसने मुझे दिया है 87.32% रिटर्न दिया है, जो कि 1,28,347 रुपया। मैंने इसमें टोटल पैसे लगाए हैं 1,46,992 रुपया और अभी इसकी वैल्यू है 2,75,340 रुपया। अभी हम लास्ट में चलेंगे, हमने कब से स्टार्ट किया था। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें 8 फरवरी 2022 से SIP स्टार्ट की थी, फिर 14 फरवरी, 22 फरवरी, मतलब फरवरी 2022 में थोड़ा सा मार्केट डाउन था, तो मैंने इसमें फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था। जब जब मार्केट गिरा है तब तक मैं इसमें पैसे लगाता गया हूँ। और इसमें मैंने अभी तक लास्ट में 31 मई 2024 को इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मैं थोड़े पैसे नहीं होने के कारण इन्वेस्टमेंट बंद कर रखा हो। जैसे ही मार्केट और थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो मैं इसमें स्टार्ट कर दूंगा। अगर किसी भाई को मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप ये फंड चूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर इससे भी कोई बढ़िया लगता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी भाई को कुछ क्वेरी है या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं इसका आंसर दे दूंगा।